सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आप देख रहे हो कि आज मैंने पहनी है ये नई टी शर्ट जो की आज मैं नई नई हूँ और जो कि मैंने लिए सिर्फ 174 रुपीस में। मैंने बिना नहाए पहन लिए। यार क्या है यार, ठंडा पानी हो रहा है, ठंड हो रही है, ठंड में कौन नहाता है बताना जरा। आप लोग नहाते हो? बताना कितनी ठंड पड़ रही है, चाटो कितना भाई सुबह। भाई पानी तो ठंडा ही आ रहा है ना, या तो गर्म करके दे दे मेरे को पानी, फिर यही दिक्कत है। तो गिरा दे फोन, गिरा दे मेरा। अभी नया वो डलवा के आई हूँ मैं। मैंने गिराया क्या आपका फोन? गाइस देखो मेरा नया फोन, मजाक कर रही हूँ, नया फोन नहीं है, 11 है। मैंने कवर इसका चेंज करा लिया। और हाँ हमने यशु के फोन का पूरे 5 साल के बाद खोल के दिखाई। पूरे 5 साल, हाँ आप लोगों को पता भी नहीं है, यशु का जो फोन है ना एक्स, कहती है तू बोलती नहीं है। अच्छा बता। नहीं बाबू तू। अच्छा बता। नहीं बाबू आ जा जल्दी, आ जा तू, मेरा हाथ दुख रहा है। जल्दी बता, जल्दी आ, तू बताएगी। बोल दिया ना मैंने, आप बताओगे तो मैं बताती हूँ। गाइस तो इसको खोल के तो दे दे। तो यशु का जो ये फोन है ना एक्स, जब इसने लिया था उसके 1 साल बाद की उसी टाइम पे ही ना इसका वो गिर गया था, मतलब इसका फोन गिर गया था। और गिरने के बाद भाई पीछे का पूरा बैक इसका टूट गया था। फोन मेरे से नहीं गिरा था, मेरे पीजी और... में एक मेरे मतलब वो थी, पीजी मेट थी, तो उसने वीडियोस बनाने के लिए लिया और मैंने भी एज इट इज दे दिया, क्योंकि मैं ऐसी कभी थी नहीं कि मैं मना कर दूं। सो जो आईफोन एक्स लिया है नया नया और दे दिया आपने किसी को भी, बिना कवर बिना गार्ड कुछ भी नहीं था। और उसे जब वीडियोस बनाई उस टाइम पे क्रैक आया था, थोड़ा सा क्रैक आया था, बट वो बढ़ते क्योंकि ये कांच है, तो कांच आपको पता है जरा सा भी अगर छेद भी रहेगा कांच पे तो पूरा क्रैक हो जाता है, तो पूरा क्रैक हो गया था। तो अभी हम जाके जिस दिन हम लोग खाना देने गए थे उससे 1 दिन पहले हम लोग इसका कवर पूरा का पूरा चेंज करा के आए। पीछे बैक देख लो, और ये एक ऐसा फोन है ना भाई, मेरे को रिग्रेट है इसे ना लेने का, सही बता रही हूँ। मतलब ये फोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, कॉम्पैक्ट एकदम, और प्रमोशन ज्यादा हो गया, छोड़ो। हाँ, और मैंने इसी की वजह से आज तक, हमारे पास 14 भी है, इनके पास 11 है, मैंने आज तक मुझे बोलते भी कि एक और फोन ले ले। 15 के टाइम पे भी उन्होंने बोला कि तू ले ले फोन अपने लिए, तेरा फोन लेती नहीं है भाई। फिर तुम कहते हो कि यही मुझे चीजें दिलाती है, तो कुछ चीजें जुड़ी होती। अब मैं आपको बोलूं 11 बेच दो, आप 14 चला रहे हो, क्यों नहीं बेचोगे यार? हमारे साथ में दिक्कत है, पता है लोग पता नहीं अपना फोन कैसे चेंज कर लेते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, हम लोग अपना फोन चेंज ही नहीं कर पाते। मतलब आप ये समझ लो कि ऐसे क्यों कर रही है, कोई बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही है, परफ्यूम लगा के आई हूँ मैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोग अपना फोन चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास है ना, आपने तो जो नहीं जानते वो पुराने व्लॉग्स देखना मेरे पास अपने, जो मेरा पहला फोन है जिंदगी में, मैंने जितने भी फोन लिए ना वो सारे फोन मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, मतलब घर पे रखे हुए हैं। तो मैंने उसका एक व्लॉग बनाया था प्रॉपर, तो वो पुराने किसी व्लॉग में होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपना लिंक डाल दूंगी, आप देखना उसे, ठीक है? तो भाई और जब से ये मुझे मिले थे इस फोन को लेने के बाद, तब ये मुझे मिले थे जब पहली बार, ये इनकी पहली बार की फोटो है, और जो मैंने इस पे वॉलपेपर लगाया था जो आज तक एज इट इज ही है। गिर जा मेरे ऊपर, गिर जा, चेंज नहीं किया मैंने कभी भी। गिर जा मेरे ऊपर, दबा दे, मुझे बहुत पसंद है, आप बता रहा मेरे ऊपर, गिर के दबा दे मेरे को, दबा दे मेरे को, दबा दे दबा दे दबा दे दबा दे, अरे अरे छोड़ो। और ये रहा हमारा तो शाहिब के लिए एक सरप्राइज है, शाहिब के लिए कल एक सरप्राइज है गाइस। तो आज ही है, आज कैसा है, ये व्लॉग आज थोड़ी जा रहा है, तो कल तो अपन क्लिप ऐड कर देंगे कल वाले में, लेकिन कल अगर 2 बजे के बाद आया तो नहीं हो पाएगा। तो गाइस सरप्राइज है शाहिब के लिए एक, और आप लोगों के लिए भी। तो हम गेस करना क्या सरप्राइज हो सकता है, चलो कमेंट बॉक्स में गेस करना क्या सरप्राइज हो सकता है। जिसका सबसे पहले कमेंट आया होगा गेस में कि सही है, तो वो मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है? और हम लोग कल व्लॉग बनाएंगे, तो वो व्लॉग आएगा परसों आएगा। हाँ तो अभी फिलहाल हमें भाई लव स्टोरी शूट करनी है, क्योंकि आज जाएगी हमारी लव स्टोरी का पार्ट 23 पार्ट जाएगा, बताओ इतने ज्यादा पार्ट बना लिए, मेरे को लग रहा है तो पूरा मूवी की तरह, मूवी से भी बहुत बड़ा हो गया भाई, मूवी भी 3 घंटे की होती है, हमने 22 पार्ट बना दिए और हर पार्ट 20 मिनट का है, बाप रे। चलो तो मिलते हैं आपसे गाइस थोड़ी देर के बाद, शूट कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी लव स्टोरी शूट हो चुकी है, और डुगू के लिए मैंने छोटी छोटी इडली बनाई थी पैन में, जो अपना नॉन स्टिक पैन है उसमें बनाई थी, मस्त बनी थी बहुत ज्यादा, वो भी मैं आपको कभी रेसिपी दूंगी। अभी तो मैंने आज तो बनाया नहीं, क्योंकि भाई रेसिपी शूट करने में टाइम बहुत लगता है, सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज दिखानी होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी बना दी। वो जो रेसिपी मैंने आज बनाई है वो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। और भाई अभी सुबह सुबह ये सब कुछ तो हो चुका है, और मैं अब डुगू के लिए फ्रूट काटने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे को देख लो, यहाँ पे ये हूँ मैं, और ये मैं आप चली, और डुगू अभी लैपटॉप पे बैठे हैं,
क्योंकि वो कुछ शायद फेसबुक वगैरह पे वीडियोस वगैरह अपलोड करने का काम चल रहा है यहाँ पे। और कब नहाओगे? आज मुहूर्त निकाला है? है? अच्छा, कौन से पहर में? कौन से पहर में? कौन से पहर में? हाँ देखते हैं। अच्छा वो देखोगे कि कौन से पहर में नहाओगे। चलो। और जो गाइस साहिब है वो अभी सोया हुआ है आई थिंक, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो कहाँ है? गाइस साहिब तो यहाँ है ही नहीं, मैं सोच रही थी कि वो आराम से मतलब सोया हुआ है और वो कहीं और ही है, देखते हैं उसको कहाँ है वो। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ पर बैठी है गुंजी। गाइस से बिलो। हाय गाइस, ये मेरा चिल करने का टाइम है, मैं अभी वो ले रहा हूँ, धूप ले रहा हूँ, यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ रही है ना, मुंबई में बर्फ पड़ रही है, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ पर्दे के पीछे। एक पैर देखो मैंने नीचे रख रखा है, जगह नहीं हो रही ना ऊपर रखने की। मम्मा पागल सी आ गई मुझे दुखी करने, अपने काम क्यों नहीं करती जाके, मुझे क्यों दुखी करती है, जा ना मम्मा, देखा मुंह भी क्या कर रखा है मेरा गुलगुच्चा। चलो गाइस स्ट्रॉबेरी खानी है डुगू को, तो भैया स्ट्रॉबेरी निकालते है फ्रिज से, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट। डुगू आपने इडली सारी खा ली? वो मेरे को लगा बचाएगी मेरे लिए। तो भैया यहाँ पर है हमारी ये क्या को खाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो भैया ये रहे अमीरो के चोचले, अब हम इसको धोएंगे। अमीरो के चोचलों के बर्तन मैं ढूंढती हूँ कहाँ रखे हैं। पहले हम इसमें एक एक करके ये डाल लेते हैं भाई। कुछ तो बहुत ही जिद्दी हो रही है स्ट्रॉबेरी, ये ऊपर का झाड़ा सा हटवाओ अपनी स्कर्ट से पहन रखे बगैर मतलब की। स्कर्ट पहनने का मतलब क्या है, हमने इन बच्चों से धो लिया है अब मस्त। तो हमने भाई ये कट कर लिए हैं, अब देंगे हम जाके इसे अब ये आदमी इसको ठूसेगा। तू नहीं खाएगी? तू भी खा ले जी। आप तो कहते वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप तो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, दोनों काम चल रहा है। अच्छा वीडियोस भी अपलोड हो रही है और वीडियोस भी देखी जा रही है। देख कौन सी वीडियोस रहे हो आप? काम किया कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत क्या है आपको, घर में तुम्हारे इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बैठी है तुम्हारी बीवी। सही बात है, कुछ और देख रही थी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ ना। अच्छा यूट्यूब से? सो दैट्स व्हाई यू नो। तो यूट्यूब से नाना भी सीख लिया करो, पूजा पाठ आजकल ट्रेंड में है, नाना धोना बस वही तो नहीं होता। वही तो बात है, वही तो हमारे बस की बात ना है भाई, वही तो बात ना है हमारे बस की भाई, बस की बात ना है नाना इनके बस की। मैं तो सुबह नहा लेती हूँ भाई, मैं तो सुबह नहाने वाली वाली बंदी हूँ, अपना काम नहीं चल सकता। तो भाई अभी मेरा मैंने अपना पानी पूरा पिया नहीं है, तो मैं भी एक लीटर पानी पीऊँगी, उसके बाद मेरे को ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद मैं आपको मिलूंगी। और डुगू ने कुछ नए बॉक्सेस मंगाए हैं तो उसमें सामान डालना है, लेकिन ये भाई हेल्प कराएगी लड़की, तब मैं करूँगी आज काम। सीधी बात है भाई, मैं अकेले क्यों करूँ, क्या मतलब है मेरा अकेले काम करने का, घर दोनों बंदों का है, दोनों काम करेंगे। और ये बात सुनते ही डुगू का मुंह कुछ हो गया है ऐसा, मैं क्यों काम करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी, मेरे बात की नहीं है काम वाम करना, मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ बस। हाँ ये क्या रखा है यहाँ पे, ये तो अपनी प्लेट लग रही है मेरे को, मकबेन वाली है। चलो गाइस थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सो गाइस रात के सॉरी शाम के, पता नहीं रात या शाम जो भी है, इतने भी बच चुके हो और अभी जस्ट हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज खत्म की है थोड़ी देर पहले ही, और अब बहुत पेन हो रहा है यार पेट में, एकदम से ऐसा लग रहा है एप्स निकल गए मेरे तो, निकल गए तो इसमें क्या है, बोल निकल गए एप्स, एप्स आ गए आपके 12 वड़ा पाव आ गए इधर 12 भैया। आज हमने बनाई है देखो खिचड़ी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी, इसमें राइस बिल्कुल ही 2 चम्मच है। यस और फिर आप कहोगे कि राइस नहीं है तो क्या क्या है इसमें, मैं यहीं पे शॉर्ट में बता देती हूँ कुछ चीजें, क्योंकि रेसिपी में तो पूरा बनाना पड़ता है गाइस। इसमें मैंने लिया मूंग की दाल इतनी, और थोड़े से बिल्कुल राइस लिए हैं, और एक तकरीबन 300 ग्राम की लौकी ली है बिल्कुल ताजी, उसको पूरा ऐसे कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। फिर मैंने डाली है गाजर, थोड़ी सी ब्रोकली, और आप उसके अलावा जो हेल्दी वेजिटेबल्स है वो यूज कर सकते हो, और 1 चम्मच देसी घी में हमने ये, और थोड़ी सी बीन्स बना के अपनी रेडी कर ली है। ये थोड़ा सा मैंने अचार लिया है आज मैंने कर रहा खाने का, और इसके साथ भाई हम खाएंगे एकदम छोंका हुआ रायता, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ जो यशु ने छोंक दिया है, जो कि ऑलरेडी ये भी खीरे का रायता है भाई, देखो ये देखो कितना सही दिख रहा है ना, तो मस्त खाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे बाद में, अभी तो डब्बे भी लगाने हैं, मैं बहुत एक्साइटेड।
एक्साइटेड होती हूँ ना मेरे को एक्चुअली मैं आपको ना आज बता दूँ कि मुझे पसंद ऐसी चीज़ें मुझे क्या क्या पसंद है। देखो मुझे गैजेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब गैजेट्स को हाथ में लेके सिर्फ उनको देख के ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो सकती हूँ, ठीक है। और जो किचन की जो जितनी भी क्रॉकरी होती है और जितने भी ये होते ना क्या बोलते हैं उसको, क्रॉकरी के अलावा एक दूसरी चीज़ को क्या बोलते हैं, नहीं 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 ग्रोसरी, क्रॉकरी तो हो गए प्लेट और ये कटोरी और नहीं ये चम्मच वम्मच को क्या बोलते हैं, स्पून नहीं यार इनको कुछ और कल्टरी कटलरी पता नहीं कल्टरी कुछ ऐसे बोलते हैं कटलरी बदली, तो वो मुझे भाई मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर ऐसे डब्बों में नए नए बॉक्स जो आते हैं उनमें सामान भरना है ना बहुत ज्यादा पसंद है। यस दिखा दिया। तो गाइस पहले हम लोग खा लेते हैं ठीक है और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने भाई बॉक्स मंगाया है तो हमने दोबारा से ही वही वाले बॉक्स दोबारा मंगा लिए हैं क्योंकि इस बार थोड़े से महंगे पड़े, पिछली बार पता नहीं शायद डिस्काउंट पे थे या पता नहीं क्या, पिछली बार थोड़े सस्ते पड़े थे इस बार थोड़े महंगे पड़े हैं। तो मैंने ये छः और छः बारह बॉक्स और मंगाए हैं और 6 हमारे पास पहले से थे तो हमारे पास एक सेट के बॉक्स हो जाएंगे सारे। तो अभी मैं सामान डाल रही हूँ, देख लो सारा फैला हुआ है भाई। तो अभी मैं सामान डाल रही हूँ और यशु वहाँ पे बाहर आराम से फ़ोन चला रही है। आप लोग कहते हैं ना मैं काम नहीं करती, भाई मैं बहुत काम करती हूँ बस मैं दिखाती नहीं हूँ। इतने ऊपर तक छींटे किस चीज़ की आई हैं, वैसे किचन साफ करवाती हूँ काम वाली से, भाई बहुत ज़्यादा ऊपर लग गई है। तो अभी फिलहाल हम सारे आइटम डाल लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी सजा के एकदम कितना मस्त लगेगा ना। गाइस देख लो भाई फाइनली मैंने डब्बे लगा दिए हैं और बहुत ही भाई शानदार दिखाई दे रहे हैं सारे एक कलर के। और मैं सोच रही हूँ कि और 6 डब्बे और या 12 डब्बे और मंगा लिए जाएं जिससे कि सारा सामान डब्बों में आ जाए, ठीक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ये शू पैकेट बना बना के रख देती है भाई फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने फ्रिज पूरा खाली कर दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी भी फ्रिज में कुछ रखे हैं क्योंकि डब्बे ख़त्म हो गए थे भाई, 12 ही डब्बे थे तो फिर मैंने इसमें डाल दिए। और ये है भाई गीली हल्दी जो यशु ने मंगाई थी अपने लिए खाने के लिए। साहिब सही बता रही हूँ अभी एकदम शांत था, जैसे ही फोन उठाया ना शुरू हो गया भाई शुरू हो जा बाबू, तू लव स्टोरी कुछ नहीं बोलता है, आज पूरा व्लॉग मैंने ही शूट किया है भाई। तूने क्या शूट किया है बताइयो, ठीक है जब कल एडिट करेगी तब पता चलेगा। एक शूट किया होगा बीच में कल दोपहर में, कैसी है ना उसके बाद बता दे क्या शूट किया तूने, ना होगी नहीं तो बाबा खुजली आएगी यार, क्यों मुझे बदनाम करेगा ना, बदनाम तो उसको के रहता है ना जो झूठ बात हो जो सच बात हो उसमें बदनामी कैसी, ये हाथ का पता है ना प्रॉब्लम हुई पड़ी है। चल बोल यार मेरे को एडिट करने में दिक्कत आएगी फिर, यार तुम भी बोलो फिर एडिट करने में दिक्कत आएगी। तो गाइस जैसा कि अभी डुगू ने बताया कि भाई कैमरा उठाते ही ये पागल कर देता है हमें और ये बिल्कुल नहीं शूट करने देता, पता नहीं क्या दिक्कत है। खुद तो पूरे दिन इसने सड़रा लिया सो गया ये बिल्कुल गधे घोड़े बेच के, ठीक है और अब इसकी हरकत है थप्पड़ मारो थप्पड़ थप्पड़ हाँ थप्पड़ खाने के लायक है ये। भाई हमारा डिनर विनर हो चुका है मस्त और डुगू ने किचन में डब्बे भी सेट कर दिए हैं जो उन्होंने नए मंगाए थे अभी और एकदम मस्त फर्स्ट क्लास लग रही है किचन हमारी। और अभी डुगू ने डस्टबिन वस्टबिन बाहर रख दिया आपने, हमको रात को ही रखना पड़ता है बाहर क्योंकि सुबह में वो जल्दी आते हैं ना तो फिर वो डोरबेल बजाए तो इसलिए हम पहले से ही बाहर रख देते हैं। और अभी मेरे ख्याल से शायद 10:30 बज रहे होंगे, 10:11 हो रहे हैं, जल्दी डिनर कर लेते हैं ना अपना। और भाई लव स्टोरी के एपिसोड्स पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई जो हमारी लव स्टोरी है उसके 100 एपिसोड तो आराम से बने क्योंकि जो कहानी चल रही है तो उसपे तो अब देखते हैं हाफ सेंचुरी कब लगती है, ठीक है। फिलहाल तो भाई मज़ा आ रहा है इस टाइम पे मकबैंस के वीडियो शूट करने में और रेसिपी शूट करने में, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और मैंने एक चीज़ देख लिया लेकिन रेसिपी की स्टोरी उस पर आप बोलते हो ना ये बहुत परफेक्ट लग रही है, टक टक की आवाज़ आ रही है यार, इनको टक टक की आवाज़ नहीं चाहिए, इनको मेरी बेस्तोरी आवाज़ चाहिए। वहाँ पे लास्ट वीडियो पे देख लो और इस वाली वीडियो पे देख लो रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत कम बोला ना मैंने वॉइस ओवर पे तो नहीं पसंद आया इनको, इनको तो खाना मत दिखाओ मेरी आवाज़ ही दिखा दो बस मैं बता रही हूँ। तो भाई मैं अगली वीडियो वैसे ही बनाऊंगी पूरा रॉ सामने से ही बोल बोल के कि अभी ये डालो इसमें अभी ये डालो, तो अभी आपको समझ में आएगा आप तभी उसको अच्छे से प्यार दोगे वीडियो को। और अभी हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि सारे चैनल्स में हम लोग एक्टिव रहें और आपको 2-3 दिन में मतलब हर चैनल पे मतलब कि यशल्स व्लॉग पे तो रोज ही आते हैं व्लॉग हमारे, लेकिन उसके अलावा मकबैन और जो यशल्स की रसोई है उस पे हम आपको रोज़ वीडियोस दे सकें तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कल एक और वीडियो शूट होगी मकबैन की, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप गेस करना क्या होगा, हम दोनों को काफ़ी पसंद है और काफ़ी मज़ा आएगा बस उसमें तो। और हाँ भाई मकबैन की वीडियो के लिए कल बोले आना छाछ, ठीक है छाछ से गैस कर लेना क्या बनाने वाले हैं हम,
ठीक है। और दूसरी चीज ये भाई के अभी हम देख रहे थे कि अभी इस टाइम पे क्या होगा कि इस बार बर्फ बहुत जिन जगहों में स्नोफॉल होता है इस बार बहुत ही लेट शुरू हुआ है, तो हम जो वैष्णो देवी का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे भी भाई अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, लेकिन स्टिल हमारा प्लान यही है कि मार्च एंड में हम मतलब जाएँ वैष्णो माता के दर्शन करने, और बाकी तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा रहता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता तक कोई बर्फ वर्फ तब तक तो नहीं रहेगी, और इस बार मार्च में जो होली है वो बिल्कुल एंड में चली गई है, काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है पता है, क्योंकि ऐसा हो गया था कि फेस्टिवल सारे आगे आगे हो गए थे, तो होली तो भाई फरवरी में पहुंच गई थी स्टार्टिंग वाले वीक में, अब बहुत टाइम के बाद वो लास्ट में चली गई, तो देखते हैं क्या प्लान बनेगा। होली इस बार कहाँ सेलिब्रेट करेंगे ये भी नहीं पता, अभी मुंबई में रहेंगे या कहीं और सेलिब्रेट करेंगे ये भी नहीं पता। और आजकल हम एक बहुत ही ज़्यादा दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन बुक्स का कि मैं कह रही हूँ कि वो हर किसी के लाइफ में बहुत हाँ मायने रखती है और होनी भी चाहिए, बस शर्त इतनी है कि आप जब उन चीज़ों को पढ़ो तो आपका एक यू नो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया ऊपर से, नहीं आपको लगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो खुद ही इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें ऐसी ऐसी है ना, पूरे का पूरा पॉजिटिविटी पे है वो बुक्स, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी आज नहीं फिर किसी और दिन बताऊंगी कुछ चीज़ें, वैसे तो मैं हमेशा ही बिना बुक पढ़े भी आपको यही बोल दूँगी भाई पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा ही होता है, तो किसी भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो हर चीज़ की पॉजिटिविटी रखो कि वो चीज़ पॉसिबल होगी, और सब कुछ पॉसिबल है अगर आप कोशिश करते हो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो यही था। और बाकी भाई कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लव स्टोरी में जितना इंटरेस्ट आपको आ रहा है हमको भी उतना इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को तो खासकर, क्योंकि आगे की जो कहानियों में अब जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो सारे ट्विस्ट मैं तो कभी बताऊँगी, पायल ज़्यादा बताएगी। गाइस तुम्हारी ये देखने के लिए नहीं बैठे, हलक में से आवाज़ निकाल लो इसमें से, घुंटनी बुलाई थी किसने बचपन में, गले में हाथ नहीं फेरा था जब आवाज नहीं निकलती, तुम्हारे होते होंगे टोने टोट के, हमारे नहीं टोने टोट के नहीं होते, बच्चों को घुंटी डाल घुंटी पिलाते हैं और गले में ऐसे वो करते हैं उंगली डालते हैं बच्चे के, वो होती है एक ट्रिक होती है वो, क्या होता है उससे आवाज निकले ताकि उसके अच्छे, वो बच्चे को जब पैदा होता है ना तभी डॉक्टर पीछे मार देता है जिससे उसकी आवाज निकल जाए, बस पता वही है ना, साइंस का कुछ पता नहीं है, आ जाएंगे टोने टोट के से लेके घुटी पिलाई दी है। अच्छा मैं टोने टोट के वाली लड़की हूँ क्या, टोने टोट के वाली लड़की हूँ मैं, चल जल्दी कर तो मैं बाबू चिड़ क्यों जाती है, मैं टोने टोट के वाली लड़की हूँ क्या, तुमको यार मजाक में वीडियो में ऐसे क्या बोल सकती, नहीं बोल सकती टोने टोट के वाली, मैं नहीं क्यों की तो मैं क्यों।